All India ranked 30 and All India ranked 16 in this May 2017 attempt. I guess this is a very big achievement that they have done. Both are from Pune. I am also from Pune. So, मैंने सोचा कि उन्हें एक छोटा सा एक इनके साथ एक इनफॉर्मल कम फॉर्मल थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे, चैटिंग करेंगे, विथ विच वी कैन गेट देयर व्यूज ऑन हाउ दे वर एबल टू अचीव दिस ग्लोरी ऑफ सक्सेस, हाउ डिड दे अप्रोच द एग्जामिनेशन. थोड़ा सा इनसे बातें करेंगे एंड इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क दैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो आर्टिकलशिप होता है, 3 years आर्टिकलशिप करना है एंड सो 2.5 years के बाद का आपका जो अटेम्प्ट आ रहा है, तो हाउ डिड यू अप्रोच दैट क्लासेस एंड आपका आर्टिकलशिप मैनेज करना कैसे कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बिग थिंग टू कीप अ बैलेंस बिटवीन आर्टिकलशिप एंड क्लासेस. इन द फर्स्ट ईयर यू डोंट गेट टू डू एनी क्लासेस बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम यू स्पेंड टू लर्न न्यू थिंग्स इन ऑफिस, गेट वेल वर्स विद द मेथोडोलॉजी एंड व्हाट आर प्रैक्टिसेस आर देयर इन ऑफिस. So, but at the end of the, towards the end of the first year, I can say you should start thinking about classes, because if you keep it too late, then you would not be able to complete all the classes if you want, and you will have to leave a lot of subjects to self-study, which gives a lot of pressure. So, at the end of the first year, if you start thinking of what all classes you have to do, you can ask to your seniors or colleagues whether what all classes to do. So I think it would be helpful towards the end of the first year. You get around 1.5 to 2 years to complete your classes, get ready for your finals. So slowly you can start off with practical subjects, जैसे कि SFM है, costing है या फिर FR है. तो वैसे practical subjects से start करने से एक पढ़ाई की आदत भी होती है और classes भी अच्छे से हो सकते हैं. Exactly. And as compared to I guess auditing and your ISKA papers. Definitely costing and accounting and SFM for that matter will consume lot of time. So अगर ये बड़े classes अगर आप end में रखते हो amongst these three, so maybe end में थोड़ा सा pressure build up हो सकता है. Yes, definitely, because around if you see any class 3 to 4 months minimum they require for SFM or FR. So it is better to complete those classes in the beginning. And SFM या costing उसमें amendments भी बहुत कुछ होते नहीं है syllabus में. So आप 2 साल पहले क्लास करो या 1.5 साल पहले क्लास करो, सो टिल द टाइम ऑफ योर अटेम्प्ट नॉट मच हैज बीन चेंज, सो यू डू नॉट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम विद द अमेंडमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ग्रेट. गुरुराज बिग फोर में है, तो आपको एक सवाल पूछना था कि मैंने सुना कि एनी बिग फोर फॉर दैट मैटर हेक्टिक रहता है कभी कभी थोड़ा शेड्यूल, सो हाउ डिड यू मैनेज? यस, थोड़ा टाइम लाइन्स डिमांडिंग रहता है बिकॉज क्लाइंट्स जो रहते हैं जनरली दे हैव स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस और उस पीरियड तक हमको वो काम करना पड़ता है. सो जनरली दे एक्सपेक्ट हार्ड वर्क फ्रॉम यू एंड एज साइड बाई साइड यू नीड टू मैनेज योर क्लासेस एज वेल एज योर ऑफिस कमिटमेंट, सो दैट यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ देम. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट डूइंग आर्टिकलशिप इन ऑडिट और लेट्स से इन टैक्स, बिकॉज बिग फोर में थोड़ा स्पेशलाइजेशन रहता है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि डूइंग आर्टिकलशिप इन दैट स्पेशल सब्जेक्ट विल एंश्योर वेरी गुड मार्क्स फॉर यू, बिकॉज इट इज डेफिनेटली विल बी यूजफुल फॉर यू इन योर स्टडीज. आपके पढ़ाई में बहुत यूजफुल होगा बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल की, हाँ आप वो कैसे चीज अप्लाई करते हो, जैसे ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे अप्लाई करते हैं, उसको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको मिलता है. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक श्योर कि हम लोग एग्जाम्स पे भी उतना टाइम फोकस कर रहे हैं एंड वो सब्जेक्ट वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग. Exactly. So that exam point of view से भी वो satisfy हो जाए and articleship point of view से भी. कभी ऐसे हुआ कि maybe आपको outstation जाना पड़ा and because of which शायद classes miss out हो गए अगर ऐसे होता है? बहुत बार होता है. Outstations या फिर पुणे में रहके भी कभी कभी deadlines रहते हैं, so we are not able to attend classes for that matter. But we again need to make sure that we collect those notes from our friends or ensure that we understand whatever we have missed. Exactly. So that बाद में उसका problem नहीं आ जाए, क्योंकि वो accumulate होके बाद में end up ऐसे tension नहीं. Exactly. So अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जब study leave start हुआ कितना roughly 4 months के आसपास? Four and a half के आसपास exam leave मिला है. So exam leave शुरू होने के पहले what was the status of your studies? At least notes were complete है कि नहीं? Yes, notes. We tried to complete. अगर नहीं थे तो हमने फ्रेंड से लेके रखे थे पहले, या फिर बाहर से कोई पब्लिकेशन लेना है तो भी मेड श्योर के हम लोग स्टडी लीव के जाने से पहले वी हैड दैट इन आर कवर्ड, सो दैट हम लोग डायरेक्टली स्टडी लीव में जाके पढ़ाई स्टार्ट करें, वहाँ पे सर्च नहीं करते पहले. मटेरियल तो सामने था कि हाँ, इतना पढ़ना है. हर एक सब्जेक्ट वाइज वैसे रख दिया था, सो दैट डायरेक्टली स्टार्ट करना था. अच्छा, डिड इट हैपन दैट ड्यूरिंग योर स्टडी लीव किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया ये नहीं ये बुक मत रेफर करो, इससे अच्छा ये बुक है?
Did you switch books? Not much. मतलब मैंने उसके पहले ही पूरा रिसर्च करके रखा था कि कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है फॉर ईच सब्जेक्ट एंड आई हैड मेड श्योर कि मुझे यही करना है राइट फ्रॉम स्टार्ट टू अंटिल रिवीजन फेज आई डिसाइडेड कि मुझे यही बुक्स यूज करना है। I guess this is a very important point because बहुत बार क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि अरे ये नहीं ये बेटर है। आई एम नॉट चैलेंजिंग एनी बुक इज गुड और बैड बट अगर आप बीच में ही स्विच आउट कर रहे हो फ्रॉम वन बुक टू अदर देन इट बिकम्स कि आपका जो कम्फर्ट लेवल मेरे हिसाब से एक बुक में आया रहता है। बहुत बार ऐसे भी होता है यू कैन विजुअलाइज द बुक लिटरली कि ये वाला डिस्कशन ना लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आता है। सो दैट कम्फर्ट लेवल यू आर अननेसेसरीली यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ टोटली न्यू बुक व्हिच आई फील डेफिनेटली शुड बी अवॉइडेड एंड दैट्स व्हाट यू बोथ हैव डन एज वेल राइट। ही वाज आल्सो देयर विद वन ऑफ द बिग फोर सो do you think कि बिग फोर में आर्टिकलशिप करना both are from audit department by the way so बिग फोर में audit करना versus auditing का पेपर लिखना इसमें फर्क है या it's what if फर्क actually it's not literal फर्क है but yeah practical application में थोड़ा difference रहता है because exam point of view से we need to write those exact terminology which we use in audit vis-a-vis audit में जब हम practical करते हैं उसमें practically we need to apply जैसे concepts से professional skepticism so we need to apply professional skepticism throughout the audit तो वैसे practical and theory में थोड़ा difference होता है because exam में paper देखने के point of view से थोड़ा we need to think exactly exactly any views और जो examiner को चाहिए that we should be able to deliver exactly. and office में what our manager wants that we should be able to deliver absolutely so there is a thin difference between both the things we should be so bookish language and वो technical words and वो answer को underline करना point form में लिखना तो वो थोड़ा एक अलग तरीका होता है exam में approach करने का so very again one very important point that they have stressed that it's not like कि आपका articleship का knowledge बेकार ही है ऐसे बिल्कुल नहीं बोल रहे आपके articleship में जो आपने किया बिल्कुल वो apply कर सकते हो while answering auditing paper बट यू कैंट जस्ट राइट वॉट एवर यू हैव डन कि जैसे आपने किया प्रोसीजर सेम टू सेम वैसे अपने पेपर में लिख दिया दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इट हैज़ टू बी क्लब्ड अप विद द टेक्निकल वर्ड्स लाइक इसे टेक्निकल वर्ड्स को अंडरलाइन करना है या फिर इवन मैंशनिंग सर्टन एसेज ऐसे रेफरेंसेज है वो जितना ज़्यादा लिखोगे उससे डेफिनेटली आपका मार्क्स धीरे धीरे वन बाय वन बढ़ते जाएगा राइट If I were to just tell their marks, audit mein Nikhil ko, when he was doing IPCC, he had scored 77 yes. marks if I'm not mistaken. And here is Gururaj with 65 marks in All India, aapka jo inka rank hai, All India rank 30 hai, he has got 65 marks in audit. Gururaj, how does it feel ki baaki sab theek hai, but AIR 1, 2, 3, tino ke bhi upar apne audit mein marks hai. And that's a special feeling, right? Yeah, very, very special. Yes. So, मतलब any extra efforts that you took for audit because that is a subject where every single person I feel when he comes out of the examination hall he feels that audit तो अच्छा गया मेरा ये एक feeling तो सबको आता है when they come out of the examination hall but it never shows up on the mark sheet I have seen so many people even from big fours who have done articleship in big fours in audit department but they have not scored well barely they have touched 40 or some have not even touched 40 so. What extra efforts did you do for audit? Efforts, when I first did audit, I understood the fact that audit एक बार करके होने नहीं वाला है. Minimum दो से तीन बार तो revision चाहिए notes का at least. If not, और actually videos, revision videos जो रहते हैं, they are also very helpful because हम लोग जब on the go रहते हैं, हम लोग buses में travel करते हैं या फिर bike पे रहते हैं, तो हम लोग इस बस headphone लगा के अगर lecture भी सुने, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रहते हैं कि जो concepts revise हुए हैं या फिर मैम ने जो वीडियोस में अपलोड किया था दैट आल्सो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग स्टेज को ताकि वो भी टाइम वेस्ट नहीं हो जाए हमारा एंड आल्सो टू मेक श्योर कि हम लोग वो वर्ड्स पे ग्रास्प आ जाए कीप रीडिंग द प्रैक्टिस मैनुअल सो दैट रैंडमली अगर हम कोई पेज भी खोल के पढ़े तो भी वो एक दिमाग में रहता है कि अरे ये आंसर मुझे याद है इसमें ये वर्डिंग्स थे सो रिविजन एंड कम्प्लीट रीडिंग ऑफ द आंसर्स वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी So as you mentioned, revisionary clips भी बहुत डालते रहते हैं YouTube पे. Whenever you have time, just have a just quickly listen to whatever I'm saying. जितने ज़्यादा बार आप सुनोगे, जितने ज़्यादा बार वो words आपके दिमाग में basically पड़ते हैं, तो automatically that maybe comes in the flow of your answer when you start writing the answer. Writing answers के बारे में बोलूँगी तो ज़्यादा frankly speaking इतना time मिलता है क्या कि writing practice अलग से बहुत अलग हर एक subject के लिए करने के लिए तो ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा optimistic हो गया I mean you many of you might have seen AIR interviews also wherein they say कि चार महीने की exam ली हुई उसके पहले ही मेरा पूरा reading हो चुका था that is very nice I mean amazing but practically आपको कैसे what was your experience
प्रैक्टिकली एग्जाम लियो जब स्टार्ट हुआ 4 months टू गो, सो ऐसा था कि क्लासेस तो हो गए हैं, बुक्स है सारे, सो वी हैड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करके फिर जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करना, एंड द मेन थिंग वॉज टेस्ट सीरीज. Yes. So we should be able to complete our revision and all the syllabus well in time to at least give one test series of each subject so that we can evaluate ourselves, make a SWOT analysis where we are lacking, and then and get time to improve on those areas. Okay. So test series I think final ke level pe bahut important hai, jo ki mere kafi sare doston ne bhi miss out kar diya test series ko kyunki time manage nahi hua. बट पहले से अगर 4 months स्टार्टिंग में एक एम रखे कि टेस्ट सीरीज देनी ही है, सो दैट वी कैन प्लान द स्टडीज एंड डू दैट अकॉर्डिंगली, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल टेस्ट सीरीज. सो जैसे अभी मान के चलो ये अपकमिंग अटेम्प्ट नवंबर 17 अटेम्प्ट है, तो आइडियली उन्होंने दिमाग में ये रखना है कि मेरा अटेम्प्ट ही अक्टूबर में है. कॉन्फिडेंस लेवल आते हैं कि यू कैन राइट द आंसर्स एंड इट क्लियरली शोज इन द एग्जाम. सो आई फील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट सीरीज फाइनल लेवल पे बहुत कम लोग देते हैं. इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट the number of people giving test series in Pune was not even more than 50. Because सबको एक ही क्लास रहता था पुणे में जब मैं I was doing CA, तो हमारा एक क्लासरूम भी नहीं भरता था. When of course the number of students doing CA final even from Pune was way too high. So test series का importance बहुत undermine किया जाता है, बहुत कम समझा जाता है, especially at the final level. यार final level में क्या test series देने का है, थोड़ा सा ऐसे अब लगता है फालतूगिरी है, but ऐसे बिल्कुल नहीं. It's very very important as he rightly mentioned, SWOT analysis immediately after the test series. कि कहाँ पे अपना कम हो गया, कहाँ पे अपन लिख पाए. मेरे हिसाब से आंसर लिखते लिखते ही अपने को समझ में आता है कि वेर वी स्टैंड. इवैल्यूएशन आने के बाद वो तो अलग बॉल गेम होता है, बट द मोमेंट वी आर डन विद आवर पेपर वी नो दैट कितना आया कितना नहीं आया, वेर वी आर. प्रिपरेशन का अंदाजा आता है कि हम लोग वेदर वी आर प्रिपेयर्ड और नॉट फॉर पेपर. Exactly. और टाइम में पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं. Exactly. और वो जैसे प्रेजेंटेशन चाहिए वैसे अब कैन वी डू दैट, सो वो एक हेल्पफुल होता है टेस्ट सीरीज में. प्रैक्टिस सेशन जैसे क्रिकेट में फुटबॉल में होता है वैसे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ ऑफ दीज हैव अ वेरी वेरी गुड एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ एज वेल. दोनों भी स्पोर्ट्स खेलते हैं. आई होप यू प्ले फुटबॉल. यस. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टडी एंड आपका हॉबी दोनों में बैलेंस करना चाहिए. ऐसे नहीं कि ये 16-16, 20 घंटे आप पागल जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मेरे हिसाब से. व्हेन यू यूज्ड टू गेट स्ट्रेस्ड आउट, आई फील दैट योर हॉबीज माइट हैव गिवन यू अ गुड सपोर्ट. कि एक छोटा सा मे भी एक हाफ आवर का ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा खेल किया है, थोड़ा म्यूजिक सुना. अच्छा व्हाट डिड यू डू, मैं खुद ही अज्यूम कर रही हूं, डिड यू डू ऑल दिस स्टफ? यस. म्यूजिक डेफिनेटली प्लेड अ बिग रोल, बिकॉज़ तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है दोस 4 मंथ्स यू आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. और हमारी आदत जाती है, बिकॉज 3 इयर्स आर्टिकलशिप हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आईपीसीसी तक इट्स ओके, हम लोग स्टडी फेज में रहते हैं, बट उसके बाद आर्टिकलशिप में इट्स अ वेरी बिग ब्रेक जो एक्चुअल स्टडी लाइफ से होता है. सो दोस 4 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड म्यूजिक सुन के थोड़ा काम लगता है, थोड़ा एक माइंड को भी रिलैक्स होता है, बिकॉज बहुत स्ट्रेनिंग है वो सिलेबस इज वेरी ह्यूज, सो यू नीड सम हॉबी और सम म्यूजिक. एंड व्हाट वी शुड लुक फॉर इज इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी एंड नॉट एक्चुअल आवर्स ऑफ स्टडी. सो 8 to 10 इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी इज इनफ. सो वी हैव होल 10 आवर्स लेफ्ट. Yes. We can do whatever you want. I used to play football on weekends. Every morning I used to go to gym. I play guitar. So there are a lot of things which you can get a break from studies. So 8 to 10 effective hours for 4 months I think is enough, and you have time to enjoy all your hobbies as well. So I feel that was an amazing discussion with Nikhil as well as Guru Raj. बैलेंस करना सीखो. इट्स नॉट ओनली कि आपने बुक वर्म नहीं होना है, यू हैव टू ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ अकॉर्डिंगली. प्लान करो अच्छे से, सिर्फ प्लान नहीं करना, इसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट. इट शुड नॉट बी लाइक योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इट शुड बी गोइंग वेरी वेल इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज. आपको अगर भी कुछ भी डाउट है और स्पेसिफिक कि हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं कहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरीज लिख सकते हो. एंड आई विल रिक्वेस्ट निखिल एंड गुरुराज टू इवन आंसर टू द कमेंट्स, सो दैट आपको आपके क्वेरीज भी सॉल्व होते रहेंगे. राइट. Thanks a lot, Guru. Thank you so much. Thank you.